ओम शांति। हम सबकी अति स्नेही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व कुशल मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी ने अपने अलौकिक जीवन की छाप अनेक ब्रह्मा वर्षों पर डाली है। जिन्होंने भी दादी जी की पालना ली है उन सब के सामने दादी जी की वह मुस्कुराती हुई निश्चल मूर्ति सदा ही स्मृति पटल पर घूमती रही है। दादी जी की अनेकानेक विशेषताओं में से 25 मुख्य विशेषता यहाँ लिख रहे हैं। दादी जी 25 अगस्त 2007 को बाप समान संपन्न बन अव्यक्त वतनवासी बन गई। उनके इस 14वें पुण्य स्मृति दिवस पर प्रस्तुत है दादी जी की कुछ एक विशेषताएं। एक, सदा कौमार्य यानी पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमार का। दादी जी का लौकिक नाम रामा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमार का कहकर बुलाते थे। ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाशमणि नाम दिया। दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रही। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। दूसरा, एक बल एक भरोसे में नंबर वन। दादी जी की बुद्धि कहां भी अटकी नहीं, न अटकी न चटकी। उन्होंने कभी किसी देहधारी को सहारा नहीं बनाया, सदा एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार किया। ओम शांति भवन से लेकर ज्ञान सरोवर, शांति वन, मनमोहिनी वन आदि का जो विस्तार हम सब देख रहे हैं, ये उनके दृढ़ संकल्प एक बल एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहती थी। सदा उनको यही ध्यान रहता था कि करण करावनहार बाबा है, हम तो निमित हैं। उनके बोल व चलन में कभी मैंपन नहीं आया। तीसरा, दुआओं के भंडार की मालिक थी दादी जी। के पास दुआओं का भंडार था। वे सदा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। दादी जी के पास दुआओं का जैसे भंडार था। वे सबको समय पर साथ देती, सुख देती, उनके दिल में हरेक के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपने संकल्पों को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ रखा, इसलिए दुआएं जमा होती रही। अंतिम समय भी शरीर के हिसाब किताब को दुआओं के बल से सहज पार कर लिया। उन्हें कभी दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई। दादी ने अपने कर्मों से, गुणों से, संबंध से, सच्चाई सफाई से सबकी दुआएं ले ली। दादी हमेशा कहती थी, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। जिसके सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ है, उनका सिर कभी भारी नहीं हो सकता। वे सदा बेफिक्र बादशाह रहती थी। चार, मुरलीधर के मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा
और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती थी जो सबको ज्ञान डांस करा देती थी। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। दादी के अंदर सदा यही रहता था कि कुछ भी हो जाए मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। 5. सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक। बाबा की, यज्ञ की व परिवार की कभी कोई निंदा करे ये दादी जी सुन नहीं सकती थी। दादी इसे महापाप समझती थी। दादी सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता था कि ये यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसकी हम सबको मिलकर संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की व यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता तो वे शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। यज्ञ के लिए, बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा। इसी प्यार के पीछे उन्होंने पूरे विश्व को कुर्बान करा दिया। इस महान यज्ञ की दादी ने दिल से संभाल की। यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा। 6. कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त न्यारी। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विकर्माजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। वे किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधे। उनका कुछ भी अपना नहीं था। उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प और निरअहंकारी स्थिति रही। विघ्नों को वे सदा खेल समझती थी। कभी किसी विघ्न में घबराई व मूंझी नहीं। सदा उनको ध्यान रहा कि ये विघ्न आया है हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वे सबको योग में बिठा देती और सफल हो जाती। 7. सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी। उन्होंने सच्चे दिल से साहिब को राजी कर लिया और उनके तख्त की अधिकारी बन गई। उनकी सच्ची दिल, सरल स्वभाव हम सब के दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कभी दिमाग गरम नहीं हुआ। सदा चेहरा फूल जैसा मुस्कुराता रहा। दादी सदा स्वच्छ और साफ रही। उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा। कभी मैंपन के आवाज में नहीं देखा। यह मेरा है, यह अटैचमेंट नहीं देखी। किसी भी प्रकार का अहंकार दादी में नहीं रहा। 8. मान अपमान निंदा स्तुति में समान। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वो सब दादी ने भी प्रैक्टिकल में किया। दादी से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि वे सदा न्यारी और प्यारी रही। देह में रहते हुए निर्लेप रही। मान अपमान निंदा स्तुति का असर
उन्हें कभी नहीं हुआ। इतना न्यारा रहना, प्यार से परमात्म प्यार की शक्ति खींचना, ये बड़ी कला है। इसमें दादी नंबर वन चली गई। जो बाबा मम्मा ने किया वो दादी ने भी करके दिखाया। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानी करे, वे सदा मुस्कुराती रही। कभी उनके चेहरे पर फीलिंग वाले चिन्ह नहीं दिखाई दिए। 9. गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण। जैसे मम्मा कुमारी होते भी सबको अपनी माँ लगने लगी, ऐसे दादी जी को भी सब मुन्नी मम्मा कहते थे। उनमें रूहानियत, गंभीरता और नम्रता ऐसे झलकती थी जो कुमारी होते भी माँ बन गई, गुणवान बन गई। बाबा मम्मा को जो कहना हो वो पहले दादी जी को कहते। दादी के ऊपर बाबा का शुरू से अधिकार रहा। 10. सदा मैं और मेरेपन से दूर, समर्पण लाइफ। दादी की सदा ऐसी समर्पण लाइफ रही जो वे मैं और मेरेपन से दूर रही। जैसे मम्मा ने कभी किसी की कमियों को नहीं देखा, ऐसे दादी ने भी कभी किसी की कमी नहीं सुनी न देखी। पालना भी मम्मा बाबा के समान दी। दादी जी सबका ध्यान रखने में, हर बात में एक्यूरेट रहने में, जो बाबा सेवा कहे वो तुरंत करने में, जो इशारा मिला वो मन वाणी कर्म से पालन करने में दादी नंबर वन थी। बाबा ने पहले पहले दादी जी को ही जापान और हांगकांग की सेवा पर भेजा। 11. स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। दादी अपने स्वमान में सदा रही, लेकिन छोटे हो या बड़े सबको सम्मान दिया, अपने से भी आगे रखा। अपनी मीठी ब्रिज इंद्रा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी को दादी जी ने सदा आगे रखा। पहले आप करने में बड़ा दिल, सच्चा दिल, ये दादी का जैसे निजी संस्कार था। दादी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही, इसलिए निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई। 12. स्वभाव संस्कार मिलाने में नंबर वन। बाबा जब अव्यक्त हुए तो पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए दादी को जिम्मेदारी दी। बाबा के अव्यक्त होने पर दीदी दादी की ऐसी जोड़ी बनी जो सभी कहते ये शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। जो बाबा का इशारा मिला दोनों ने कहा, जी बाबा। कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, एक दो को सदा आगे रखा। कभी कोई भाव स्वभाव संस्कार के टक्कर में नहीं आई। संस्कार स्वभाव में जैसे बाबा आ गया, इसी एक धारणा से वो नंबर वन बन गई। 13. पिताव्रता और पतिव्रता एक व्रता। कभी भी देहधारी में आंख न जाए, दादी जी ऐसी पिताव्रता और पतिव्रता और एक व्रता बनकर रही। जो बाबा ने कहा वही किया। सेवा में बाबा की राइट हैंड बन गई। दिल में सदा बाबा को बसाया, कहीं आंख नहीं डूबी। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, किसी भी देहधारी ने प्रभावित नहीं किया, किसी के प्रभाव में कभी नहीं आई। कोई सहयोग दे और अपना अधिकार रखे, दादी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। 14.
यज्ञ की जिम्मेवार होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति। यज्ञ की हर प्रकार की जिम्मेवारी को प्यार से संभालते सदा त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रही। हजारों लाखों के संबंध में आते, सेवा करते, सबको सुख शांति संपत्ति दी, सदा अंतर्मुखी होकर रही। वे एक सेकंड में बाबा से अलग होकर नहीं रहे। सदा कहती थी कि मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर बाबा बैठा है, हम तो उनकी कठपुतलियां हैं, वो हमें नचा रहा है, खेल करा रहा है, मेरे से बाबा को कोई अलग नहीं कर सकता। 15. हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करने और कराने वाली। दादी जी को समय का बहुत कदर था। वे सदा कहती, संगम की एक एक घड़ी बहुत बड़ी अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना। दादी ने खुद भी अपना एक एक श्वास, संकल्प, समय सब सफल किया और दूसरों का भी सफल कराया। कुछ भी निष्फल न जाए, श्वास श्वास स्मृति में रहने से वे मजबूत बन गई। सदा मन मना भव का मंत्र अंदर चलता रहा। नंबर 1 में आना हो तो अभी ये समय है, हरेक आ सकता है, ये दादी ने करके दिखाया। 16. अनुभवों की अथॉरिटी के साथ नम्रता का अवतार। दादी जी ने ज्ञान और योग की गहराइयों को समझकर उसे अपने अनुभव में उतारा। वे अनुभवों की अथॉरिटी थी। बाबा की शिक्षाओं से दादी जी ने अपना श्रृंगार किया। वे यज्ञ की हर प्रकार की स्थूल सूक्ष्म सेवाओं में सदा आगे रहती, पहले करती फिर दूसरों से करवाती। वे अथॉरिटी होते भी नम्रता का अवतार थी। उनकी अथॉरिटी के बोल भी सबको बहुत प्यारे लगते थे। सत्यता की अथॉरिटी होते हुए भी उनके हर बोल में सभ्यता समाई रहती। 17. निश्चय और विश्वास के आधार पर यज्ञ को आगे बढ़ाया। दादी जी का स्वयं में और बाबा में अति विश्वास था। उन्होंने यज्ञ वत्सों में भी विश्वास रखा और उन्हें सब जवाबदारियां देते आगे बढ़ाती रही। दादी जी को कुछ भूलना नहीं पड़ा। देह सहित सबसे सेकंड में नष्टो मोहा बन गई। कभी निश्चय में संशय नहीं आया। इसी कारण उनका फाउंडेशन मजबूत था। वे कभी किसी भी परिस्थिति में हिली नहीं, अचल अडोल एक रस स्थिति में रही। उनके अटूट विश्वास ने ही आज यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया है। 18. दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि की वरदानी। दादी जी ने अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य और पवित्र रखा। दादी कहती थी, हमारी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि हमारा बाबा है, उसने हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है। बुद्धि का अभिमान कभी आ नहीं सकता। इस विशेषता से दादी जी फॉलो फादर करने में नंबर 1 रही। उन्हें दिव्य दृष्टि का जैसे वरदान मिला हुआ था। वो ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन जब भी बाबा के कमरे में जाती तो बाबा उन्हें कोई न कोई संदेश जरूर देते और वे उसी नशे और निश्चय से कहती कि आज बाबा ने मुझे ये कहा है, इस सेवा के लिए बोला है, अभी ये करना है अथवा ये नहीं करना है। उनकी ही प्रेरणाओं से पूरे भारत की हर स्टेट में बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बहुत सफल हुए। 19.
बड़ी दिल, विशाल दिल और सदा रहम दिल। दादी जी सदा बड़ी दिल, फराक दिल बनकर रही। बाबा के घर में जो भी आता, उनकी हर प्रकार से खातरी करती। बड़ी दिल से सबकी पालना करती। दादी जी विशाल दिल, रहम दिल, स्नेह का सागर बनकर रही। उनका रहम निस्वार्थ और ज्ञान युक्त था। वे कभी किसी में फंसी नहीं और न अपने में किसी को फंसने दिया। वे सदा सतगुरु बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख संपन्न और संपूर्ण बन गई। हमें भी उनके कदम पर कदम रख समान बनना है। 20. सदा बेहद की बुद्धि और बेहद की भावना। दादी जी सदा कहती, हमारे लिए सिर्फ मधुबन नहीं लेकिन सारा ही यज्ञ बाबा का सो हमारा है। देश विदेश सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है, बाबा के सेंटर्स हैं, इसलिए सबके प्रति समान प्यार रहा। बेहद में बुद्धि रही। मधुबन सबका है, ये बाबा की चरित्र भूमि, कर्तव्य भूमि, प्यारी अलौकिक भूमि है। इस पर सबका समान रूप में अधिकार है। ऐसी बेहद की भावना उनके दिल में सदा बनी रही। 21. किसी के अवगुण को चित पर नहीं रखा, सदा गुण ग्राही। दादी सदा कहती, बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है कि तुम्हें मेरे सब बच्चों को संभालना है। तो मैं समझती हूँ, बाबा ने जब मुझे यह ड्यूटी दी है तो संभालने के साथ साथ मुझे सबके साथ चलना भी है, चलाना भी है, मुझे सबके साथ निभाना भी है, मुझे सबका समाना भी है। मैं कभी ये नहीं कह सकती यह फलानी या फलाना ऐसा ही है, इसे छोड़ दो। नहीं, छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा। न मुझे किसी को छोड़ना है, न किसी से दूर होना है। बाबा का बना है तो उसे हमें संभालना है, चलाना है। मैं कभी किसी की खामी को बुद्धि में रखकर नहीं चलाती। मैं यह मंत्र सदा याद रखती हूँ कि किसी का अवगुण चित पर न धरो। अवगुण चित पर धरने से वैसी ही वृत्ति और व्यवहार हो जाता है। बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई विशेष गुण है, इसलिए दादी जी सदा गुण ग्राही बनकर रही। 22. सदा संतुष्ट मणि बन, सबको संतुष्ट करने की भावना। दादी जी सदा संतुष्ट मणि बनकर रही। उनकी बुद्धि में यही रहता कि सब मेरे से संतुष्ट रहे। संतुष्टता ही मेरे लिए सबकी दुआएं हैं। दादी जी कहती कि मेरी बुद्धि में यही रहता है कि हमें सबको संतुष्ट करना है। संतुष्टता की दुआएं सबसे लेनी हैं। इस धारणा से बुद्धि सदा निश्चिंत रहती है। संतुष्टता ही उदारता है। जितनी उदारता होगी उतना संतुष्ट कर सकेंगे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। 23. योग युक्त दिव्यता संपन्न हर्षित चेहरा। दादी जी का चेहरा सदा योग युक्त और दिव्यता से संपन्न हर्षित दिखाई देता। वे याद की सब्जेक्ट पर पूरा पूरा अटेंशन देती। उन्हें सदा यही ध्यान रहता कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, इसलिए वे हर श्रीमत को दृढ़ता के साथ पालन करती। ईश्वरीय मर्यादाओं पर पूर्ण रूप से चलती। इसी से वह मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई। वह सदा कहती, जितना हम मर्यादाओं में रहेंगे
उतना बाप दादा की आशीर्वाद मिलेगी। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलती, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बनो तो स्वतः परमात्म आशीर्वाद मिलेंगी। मर्यादाओं में रहना ही हमारा सच्चा धर्म या धारणा है। 24. अति इंद्रिय सुख के खजाने से संपन्न। संगम युग का विशेष खजाना है अति इंद्रिय सुख। दादी जी सदा उसी सुख की अनुभूति में रहती, इसके लिए उन्होंने न्यारे और प्यारे बनने का बहुत अच्छा बैलेंस रखा। जितना वह कारोबार में आती उतना ही अंतर्मुखी भी रहती। वो सदा परमात्म प्यार में अति इंद्रिय सुख की अनुभूतियों में मगन रहती। वो कर्म करते भी सदा उपराम रहती। उनको सदा यही स्मृति रहती थी कि यह जीवन की अंतिम यात्रा है, इसलिए हमें सदा व्यर्थ से मुक्त हो उपराम रहना है। अपने संकल्प, श्वास, समय को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। 25. लक्ष्य के समान सदा लक्षण धारण करने में नंबर 1। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनकर वापिस जाना है। हमें अपनी फरिश्ता स्थिति बनानी है, हमें अपने में रूहानियत का एसेंस जरूर भरना है। भल सेवा हमारी पढ़ाई का एक अंग है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन सेवा के साथ साथ याद का भी इतना ही बैलेंस रखना है। उन्होंने लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण किए और बाप समान कर्मातीत बन गई। ओम शांति।